पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज 2021 का दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, जहां पर बात कर लेते हैं अगर इस मैच की, तो पाकिस्तान की टीम बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रही है दोस्तों। डे नंबर वन के अंदर जहां पर अब तक उन्होंने दो ही विकेटों को लूज किया हुआ है इस टेस्ट मैच के अंदर, और वो दो विकेटें पहले सेशन के अंदर गिर गई थी पहले दिन के। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से दोनों ही बैट्समैन अजहर अली एंड जो है वो दोस्तों बाबर आजम उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं, और बाबर आजम नॉट आउट है दोस्तों, और आज हो सकता है कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी लगा लें काफी देर के बाद। सो देखते हैं कि बाबर आजम की सेंचुरी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाबर आजम अभी नॉट आउट है, और अगर आपको बाबर की बैटिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। यहां पर बाबर आजम ने 60 रन बना लिए हैं अब तक, और अजहर अली ने 36 रन बना लिए हैं। दोनों ही बैट्समैन नॉट आउट हैं, 91 रन की ये पार्टनरशिप जो है उन दोनों प्लेयर्स के दरमियान अब तक लग चुकी है दोस्तों। और पाकिस्तान की टीम जो शुरुआती ओवर्स के अंदर जो हमें थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई दी थी इब्तदाई पार्टनरशिप के बाद, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें एक थोड़ी सी अच्छी पोजिशन में दिखाई दे रही है। 161 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। आज के इस दिन के अंदर 33 ओवर का खेल अभी होना है मजीद बाकी, तो पाकिस्तान की टीम की कोशिश होगी कि मिनिमल विकेट्स को लूज करे वो और अच्छे से आगे बढ़े। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम की बात कर लेते तो बांग्लादेश की तरफ से ताजुल इस्लाम ने अब तक 2 विकेट को कर रखा है अपने नाम, जबकि इसके अलावा कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले सका। पाकिस्तान का स्कोर 161 हो चुका है। क्या लगता है दोस्तों आपको, बाबर आजम अपनी सेंचुरी को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस मैच के अंदर, जहां पर बाबर आजम आज अभी तक नॉट आउट है दोस्तों, और बाबर आजम जो है वो 60 के स्कोर पर मौजूद है। 40 रन की उनको मजीद जरूरत है, टाइम ही टाइम है दोस्तों उनके पास। सो देखते हैं कि वो अपनी सेंचुरी को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जहां पर 161 है स्कोर टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे 57 ओवर के बाद, और आज के इस दिन के अंदर 33 ओवर का खेल अभी होना है बाकी। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं आज आउट होने वाले प्लेयर्स की, तो आबिद अली ने 40 रन बनाए, 81 गेंदों का सामना किया, वो आउट हुए, 6 चौके उन्होंने लगाए। अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो वो 25 रन बनाकर आउट हुए, 50 गेंदों का सामना किया। जबकि इसके बाद जो प्लेयर आएंगे बैटिंग करने के लिए वो आएंगे फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, हसन अली, साजिद खान, नुमान अली एंड शाहीन आफरीदी। तो दोस्तों क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम कहां तक जाएगी, ये आपने बताना है, जहां पर तीसरे सेशन का खेल होगा और बहुत ही एक्साइटिंग खेल होगा, जहां पर जबरदस्त किस्म की क्रिकेट जो है वो टीम पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल खेली जा रही है।